प्रथम तहलका न्यूज। श्री स्वामी नारायण गद्दी संस्थान के प्रमुख पुरुषोत्तम प्रियदास महाराज ब्रह्मलीन हो गए, जिनका अस्थि विसर्जन हर की पौड़ी पर कलश यात्रा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्ण विधि विधान से हुआ। ये तस्वीरें हरिद्वार की है। हर की पौड़ी पर अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित किया गया। भूपतवाला स्थित परमार्थ निकेतन घाट पर ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तम प्रियदास महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आपको बता दें कि दिव्यांजलि योगपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी देव ऋषि महाराज ने कहा कि संतों का जीवन निर्मल जल के समान होता है। ब्रह्मलीन स्वामी पुरुषोत्तम प्रियदास महाराज ने गरीब असहाय लोगों की मदद कर समाज को गौ एवं गंगा संरक्षण की प्रेरणा दी। उनके बताए मार्ग पर चलकर स्वामी जितेंद्रिय प्रियदास महाराज आज उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा प्रकल्पों में निरंतर वृद्धि कर स्वामी नारायण संप्रदाय का बढ़ा रहे हैं। अंजलि योगपीठ ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं और मेरे प्रिय पुरुषोत्तम दास जी महाराज से कई वर्षों से उनको अपने गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखता आया हूं। और कोरोना काल में जैसा ये निशाचर पूरे विश्व को जिसने अपने आगोश में लिया, उसी समय हमारे परम पूज्य प्रिय पुरुषोत्तम दास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। परमात्मा उनके मन और आत्मा को शांति दे और पूरे विश्व का कल्याण करे। और सभी जितने भी भक्त लोग पूरे भारत से आए हैं, देश विदेशों से आए हैं, सबके ऊपर उनकी दृष्टि हमेशा बरसती रहे। और लगभग पूरे विश्व से लगभग 20 देशों से यहाँ पे लोग आए हैं जो भक्तजन हैं, जैसे युगांडा, अफ्रीका, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन जैसे देशों से यहाँ भक्त हमारे आए हैं। सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और गुरु महाराज का, स्वामीनारायण भगवान का सबके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रहे। अभी जो वर्तमान में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जितेंद्र स्वामी जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं, सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। महाराज जी हाथ उठा दीजिए। सब लोगों का आशीर्वाद है और हम परमात्मा से कृपा करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग इस पृथ्वी पर खुशी रहें, सबका कल्याण हो और स्वामीनारायण भगवान की सबके ऊपर कृपा बरसती रहे। जय स्वामीनारायण, सभी जनों कल्याण था। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।